विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद जिला में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1650 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। वोटरों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि इस बार विकास कार्य और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों को देखते हुए वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला जी। कहाँ से आए हैं? संजय कॉलोनी। वोट किया है आपने, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? क्या क्या विकास जो देखने को नहीं मिला है, लोग जो है काफी रुष्ट नजर आए हैं, क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? मेन पानी की समस्या। पानी की समस्या क्या लग रहा है, किस तरीके का काम हुआ है 5 साल में? पानी में कोई प्रगति नहीं हुई खास, और बिजली में भी दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे और गड्ढे वगैरह ये सब चीजें दिक्कत है। तो क्या लगता है बदलाव चाहते हैं सरकार में? अब सरकार खुद करे या बदलाव करे, जो भी करे जनता ही चुनेगी ना सरकार। जनता ही। आज अपने परिवार के साथ आकर वोट किया? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ शुक्ला। कहाँ से आए हैं? संजय कॉलोनी सेक्टर 23। आज इलेक्शन है और आप वोट कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सर आप अगर यहाँ पर देखें संजय कॉलोनी में, यहाँ पर थोड़े रोडों के हालचाल खराब हैं, रोड्स की कंडीशन बहुत खराब है, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर पानी मीठा नहीं आता है, पानी अगर मीठा आता है तो 7-7 दिन में, इस साल बहुत प्रॉब्लम हुई है 2024 में, हमने देखा कि 7-7 दिन में गर्मी में बहुत बुरा हाल था। इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे गर्मी में क्या हुआ था, वोल्टेज कभी कभी 200 से ऊपर कभी आया ही नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर इसके बाद आपकी ये जैसे ये आप गुड़गांव फरीदाबाद रोड के लिए, बिकॉज यहाँ फरीदाबाद में क्या होता है, आपको देखो गुड़गांव में जाना पड़ता है जॉब के लिए, तो बीच में क्या है आपका गुड़गांव फरीदाबाद रोड थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट अब वो टोल वोल बन चुके हैं, इस साल ही वो टोल पे फास्ट टैग आया हुआ है, पहले टोल पे बहुत जाम लगा करता था, अब वो थोड़ी चीज़ें। जो 10 साल सरकार रही है उसने कैसे कार्य किए हैं, कैसा विकास हुआ है हरियाणा में? 10 साल जो हरियाणा के विकास की बात करें तो उस हिसाब से आपका भी इस बार मतलब ऑनलाइन चीजों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन निजी स्तर में जो छोटे निचले स्तर में बहुत कम, थोड़ा सा कम देखने को मिला है विकास। हालांकि हमारे वार्ड में थोड़ा अलग हिसाब था इस बार पिछले बार हमारे वार्ड में कांग्रेस के विधायक थे और उसमें हरियाणा में उनका वो हुआ था, शायद तालमेल ना बैठा हो उनके बाद, तो समस्या ये थी शायद, इसीलिए विकास थोड़ा सा रुक गया। संजय कॉलोनी की बात करूँ तो क्या लग रहा है सरकार कौन सी आती है इस बार, और अगर आती है जो भी सरकार आती है किस तरीके का विकास देखने को मिलेगा आने वाले समय में? अब ये मैं नहीं कह सकती कौन सी सरकार आएगी सर मैम श्री, वो तो आपको पता ही चल जाएगा नतीजों के बाद कौन सी सरकार आएगी, बट देन ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे नई सरकार से इस बार ही मुद्दे अच्छे हों, इस बार चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, इस बार चीजें सही 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 आए हैं विकास करने के लिए, बस।